जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं गीतांजलि मसाला चम्मच में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम सीखेंगे गोलगप्पे का खट्टा मीठा पानी बनाना, वो भी बिल्कुल जैसे ठेले वाले बनाते हैं और बाजार में हम जैसे पानी पूरी खाते हैं उसी तरीके से। तो सीखते हैं खट्टा मीठा पानी बनाना। नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे गोलगप्पे को खट्टा मीठा पानी, जिसके लिए लिया है मैंने हरा धनिया, अदरक और 1 से 2 हरी मिर्च। इससे हम अपना खट्टा पानी बनाएंगे। कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें मैंने लिया है 8 से 10 काली मिर्च, 2 बड़े चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, स्वाद के लिए चाट मसाला और हींग, और टेस्ट के लिए और अपने पानी में मिलाने के लिए लेंगे नमक, बूंदी। और मीठा पानी बनाने के लिए हमने लिया है गुड़ और इमली, और पानी लिया है मैंने 0.5 लीटर। आप इतनी सामग्री में 1 से 2 लीटर खट्टा और मीठा दोनों तरह का पानी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आइए शुरू। अब सबसे पहले हम इमली के पानी को बनाकर तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने इमली लिया है। इसको हल्के उबलते हुए पानी में डाल दिया है, क्योंकि हमारा जो इमली का पानी है वो खट्टा और मीठा दोनों पानी में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको आप मीडियम फ्लेम पर 8 से 10 मिनट के लिए उबलने दें, ताकि हमारा इमली का पल्प एकदम अच्छे से निकल आए। तो देखिए, इसमें एक उबाल आ गया है और अब हम अपने फ्लेम को बंद कर देते हैं और 15 से 20 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और सेकंड हमारा ज़रूरी स्टेप है, इसमें हम क्या करेंगे, हमारा पानी का मसाला बनाएंगे, क्योंकि हम इसमें कोई भी बाहर का मसाला इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा होममेड मसाला है। इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से मीडियम फ्लेम पर खुशबू आने तक के लिए और हल्का सा गोल्डन होने तक भून लेंगे। और देखिए, मेरा अच्छे से मसाला भुन गया है। अब इसको ठंडा होने के बाद मिक्सी के जार में आप इसको दरदरा पीस लें। आप इसको बारीक नहीं करें, इसका फ्लेवर थोड़ा दरदरा पीसने में ही है। और देखिए कितना अच्छे से हमारा ये मसाला बनकर तैयार हो गया। अब इसको साइड में रख देते हैं। अब हम खट्टा पानी बनाने के लिए पहले हरे पानी की चटनी तैयार कर लेते हैं। उसमें मैंने ले लिया है हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्च। आप हर चीज़ को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे आपको तीखा पानी पसंद है तो आप हरी मिर्च थोड़ी ज़्यादा ले सकते हैं, वरना एक परफेक्ट क्वांटिटी की है। इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर आप इसको पीस लें, इसका अच्छे से एकदम फाइन पेस्ट बना लें, क्योंकि हमारे खट्टे पानी में मेन फ्लेवर जो होता है वो इसी चीज़ का होता है। तो 1 से 2 मिनट में हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। और देखिए कितना स्मूथ हमारा पेस्ट बनकर रेडी हो गया है। अब जो हमारा इमली का पानी हमने बनाया था, उसको 15 मिनट हो गए, और देखिए अब हम अपने पूरे इमली, ये सीड्स वाली इमली है, आप चाहें तो विदाउट सीड्स इमली भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से आप स्ट्रेनर की हेल्प से अच्छे से इस इमली के पल्प को रेडी कर लें। और देखिए कितना अच्छा हमारा तैयार हो गया है। अब हम शुरू करते हैं हमारा खट्टा पानी बनाना। तो एक स्ट्रेनर की हेल्प से जो हमने चटनी बनाई थी इमली की, या इमली हरे धनिया हरी मिर्च की, उस पेस्ट को इसमें डाल देंगे। थोड़ा पानी इस्तेमाल करके, जार में थोड़ा सा हमारा पेस्ट रह गया है, उसको आप इसमें मिला लें। और अच्छे से स्टेन कर लें। स्टेन करने से बहुत स्मूथ ही रेडी होता है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, बट आप एकदम जैसे पार्टी फ्लेवर या मार्केट जैसा फ्लेवर चाहते हैं तो इसको स्टेन कर लें। और आप इसको फेंके नहीं, आप इस मिक्सचर को आलू में भी मिक्स कर सकते हैं अपना। तो देखिए मैंने स्टेन कर लिया है। अब इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 3 से 4 बड़े चम्मच इमली का पानी मिला देंगे। आप खट्टा भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आप कम खट्टा पसंद करते हैं तो आप थोड़ा कम इमली का पानी यूज़ करें। अब हम इसमें मिलाएंगे हमारे मसाले,
जो हमने मसाला रेडी किया था, तो एक बड़ा चम्मच इसमें मसाला डाल देंगे। चाट मसाला, इसमें हमने इमली का पानी लिया है इसलिए हमें अमचूर पाउडर की ज़रूरत नहीं है। काला नमक, सफ़ेद नमक, लाल मिर्च पाउडर, सारे मसालों को आप अच्छे से मिक्स कर लें। और अब हम इसमें मिला देंगे हमारा आधा लीटर पानी, क्योंकि हमने मसाले इसी के अकॉर्डिंग लिए थे कि लगभग हमारा आधा से एक लीटर पानी बनकर तैयार हो जाए। और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब इसमें हम मिला देंगे बूंदी, बिल्कुल बाजार जैसा लुक देने के लिए। और देखिए मेरा खट्टा पानी बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हम अपने मीठे पानी को बनाते हैं। और इसमें ज़रूरी चीज़, जो हींग का पानी है वो मिलाना आप नहीं भूलें, क्योंकि हींग के पानी का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है हमारे खट्टे पानी में। तो परफेक्टली अब मेरा ये पानी बनकर तैयार हो गया है। आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं, टेस्ट करके आप अपने नमक और मसालों को थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं मीठा पानी, जिसके लिए मैंने इमली का पानी लिया है। और अब इसमें मिलाएंगे हम गुड़, आप चाहें तो शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट गुड़ हेल्दी भी होता है, इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। तब गुड़ का इस्तेमाल करेंगे तो आपके पानी में बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। अब गुड़ को मेल्ट होने तक और एक उबाल आने तक हम इसको पकाते हैं अपने मीडियम फ्लेम पर। अच्छे से देखिए हमारे इमली के पानी में उबाल आने लगा है और धीरे धीरे हमारा गुड़ भी मेल्ट होने लगा है। अगर आप मिस कर रहे हैं शादियों में जाना, वहाँ के गोलगप्पे खाना, तो इस तरीके से एक बार आप बनाएं तो आप बिल्कुल भी किसी पार्टी या शादी को मिक्स नहीं करेंगे। इसमें मैंने कलर के लिए और थोड़ा सा टेस्ट के लिए लाल मिर्च पाउडर मिलाया है। और देखिए मेरा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। और अब हम अपने फ्लेम को बंद कर देंगे और उबाल भी एकदम अच्छे से आ गया है और इसको ठंडा होने देते हैं। अब देखिए 5 to 7 मिनट हो गए, मेरा पानी ठंडा हो गया है। अब इसमें हमारा जो बनाया हुआ मसाला है वो मिलाएंगे, काला नमक, सफ़ेद नमक और हमारा हींग का पानी। लाल मिर्च हमने पहले यूज़ कर ली थी, तो आप लाल मिर्च थोड़ा ध्यान से डालें, क्योंकि ये मीठा पानी है तो इसमें बस थोड़ा चटकारे जैसा फ्लेवर आना चाहिए। कोई भी मसाला ज़्यादा होगा तो इसका टेस्ट थोड़ा ख़राब हो सकता है। अब इसमें हमने फिर आधा लीटर पानी मिलाया है और ऑलमोस्ट हमारा एकदम रेडी है। और अब इसमें मिला देंगे हम बूंदी, हमारा टेस्टी टेस्टी पानी बनकर रेडी हो गया है। मेरे दोनों तरह के पानी तैयार हैं, आप इनको खाएं और हमें अपने रिव्यू ज़रूर शेयर करें। और ये बिल्कुल शादी वाले एकदम खट्टा मीठा पानी बनकर तैयार हुआ है। का खट्टा मीठा पानी आपको कैसा लगा? और आप इसे ज़रूर घर पर ट्राई करें और मुझे अपने रिव्यू ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा बजा दें। धन्यवाद।